इंदौर में झमाझम बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई थी। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। शहर की लाइफलाइन बीआरटीएस रोड तालाब में तब्दील हो गया था, जिसके बाद नगर निगम ने पानी निकासी की कोशिश की जो नाकामी साबित हुई, जिसे लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का एक बयान सामने आया है। महापौर भार्गव का कहना है कि शहर में पिछले साल 90 जगहों का चयन किया गया है जहां हर साल जल भराव होता है। कई स्थानों पर स्टॉर्म वाटर लाइन डालने का काम जारी है, जिसके बाद जल भराव की स्थिति से शहरवासियों को निजात मिल पाएगी। पेंच वर्क का काम हमारा लगातार जारी है। बाकी जोनों में करीब 25 से ज्यादा टीम लगातार पेंच वर्क कर रही है। बारिश खत्म होते ही सारे टेंडर हो गए हैं, पेंच वर्क की नई एजेंसी आ गई है। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि अभी 23 तारीख के बाद से ही पेटेंटेड टेक्नोलॉजी पे बारिश में भी हम सीसी रोड का पेंच वर्क करेंगे, करीब 1 करोड़ से ज्यादा की लागत से।